हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अपने सबसे पहले अपने को प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब कोई भी पॉलीगन है, उनके जो एक्सटर्नल एंगल्स है उनका जो सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब देखिए पॉलीगन की जो डेफिनेशन है मैं आपको पहले बता चुका हूं। ए सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, मतलब जो फिगर लाइन सेगमेंट से बना है और सिंपल क्लोज फिगर है वो क्या होता है आपका पॉलीगन। और देखिए सबसे पहले सबसे छोटा पॉलीगन जो उसे बोलते हैं हम क्या होता है, ट्रायंगल। अब यहां पर देखिए आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पर फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये जो एंगल गिवन है By this property हमें क्या पता है, sum of the all external angles of a polygon is 360 degree, so 125 degree plus 125 degree plus x degree is equal to 360। यहाँ से इनको हमने ऐड कर देंगे, 125 plus 125 हो जाएगा 250, 250 degree plus x degree is equal to 360। So, x degree is equal to 360 degree minus 250। अब यहां से देखिए 360 माइनस करेंगे 250 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110 degree। तो ये आपका क्या है बच्चों, आंसर। तो यहां पर देखिए सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, तो उसके जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है क्या होता है, 360। तो अब अपने बी की बात करें तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागन है, 5 साइड्स है इसकी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये सिंबल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और यहां पर देखिए अंदर वाला इंटीरियर इंटरनल एंगल क्या है, 90 है, और बाहर को मैं मान लेता हूं y डिग्री। सो अब यहां पर क्या लगाएंगे, y डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां से देखिए y हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए सभी के सभी एक्सटर्नल एंगल्स हैं सिर्फ x को छोड़ के। अब इनका अपने कर देते हैं एडिशन। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही होगा। देखिए ये एंड किया 60 90 x एंड 70। अब इनको अपने ऐड कर देते हैं, देखिए 90 प्लस 60 150 150 प्लस 90 240 240 प्लस 70 310, तो ये हो गया 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। यहां से देखिए 310 यहां पर प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x डिग्री की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 50 डिग्री। तो यहां पर देखिए a के अंदर जो आपका आंसर है वो है 110 डिग्री और b के अंदर जो आपका आंसर है वो है 50 डिग्री। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।